नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक बहुत पुरानी कहानी याद आई है कि एक आदमी था, उसके दो घोड़े थे। एक घोड़ा अंधा था और एक घोड़ा सही था। तो अंधा जो घोड़ा था वो अंधा होने के बावजूद भी वो आदमी था वो उसको अपने साथ में रखता था, दोनों घोड़ों को साथ में रखता था, दोनों को ही देख बराबर से ही देखभाल वो करता था। और अंधे घोड़ा कहीं भटके ना, कहीं जाए ना, कहीं चला ना जाए, उसके लिए उसने क्या किया था, जिस घोड़े की आंखें सही थी उसके गले में एक घंटी बांध दी थी ताकि वो घंटी की आवाज़ सुन सुन के जो अंधा घोड़ा है वो भी उसके साथ साथ ही रहे, कहीं अलग से ना जाए। जो घोड़ा सही आंखों वाला था, जिसकी सही आँख थी, वो बार बार ये भी देखता था कि हाँ भाई ये अंधा घोड़ा मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गया नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है, जो हम अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो भगवान ने मुझे छोड़ दिया या भगवान ने मेरा साथ नहीं है, ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है। ये बहुत सोचना हमारा गलत है, क्योंकि जिस तरह से उस आदमी ने दूसरे घोड़े के गले में घंटी बांधी हुई थी ना, ऐसी ही घंटी भगवान ने हमारे चारों तरफ बांधी हुई है, जो हमें समय 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 बताती रहती है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, गलतियाँ क्यों नहीं करनी, कौन सी नहीं करनी, वो सब हमें बताता है। सिर्फ ये वजह नहीं है कि भाई हम सक्षम नहीं हैं या फिर हमारे अंदर कोई दोष है तो ऊपर वाले ने हमें छोड़ दिया। देखो सबसे गंदी बात तो यही है कि अपने आप को ये सोचना कि मैं सक्षम नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए, या फिर भगवान मुझे छोड़ देगा क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अपने आप को किसी से भी बराबरी करना, किसी के कहीं भी मतलब अपने आप को कहीं भी कंपेयर करना बहुत ही गंदी चीज़ है। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसा रखा है, ठीक है कभी कभार थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमको छोड़ देगा। तो इसलिए भगवान पर पूरा विश्वास बनाए रखें, और इस समय जो ये समय चल रहा है, इस वक्त तो हमें बहुत ज़रूरत है भगवान की, और घर में रहने की और अपने आप को सुरक्षित रखने की। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाहर कहीं नहीं जाना, बहुत ज़रूरी हो तो ही जाना है, वरना घर में ही रहना है, घर में ही रहना है। धन्यवाद।